بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. This is Abdul Malik Hashmi and you are watching my YouTube channel. For more videos, please subscribe my YouTube channel and leave your comments below. आज हम आटे की टिकिया बनाने जा रहे हैं। इसके लिए जिन अशिया की आपको ज़रूरत है वो नोट कर लें। 2 कप आटा, अगर देसी आटा हो तो ज़्यादा बेहतर है। 1 प्याली पिसी हुई चीनी, 1 प्याली देसी घी, आधी प्याली बेकिंग सोडा, थोड़ी सी कुटी हुई इलायची दाने। ठीक है, अब हम सबसे पहले चीनी को आटे में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम चीनी इसमें मिक्स करेंगे, उसके बाद देसी घी डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर से ये काफ़ी नरम हो जाएगी, और इलायची दाने भी डाल दें जो कुटे हुए होंगे। इसके बाद आपने इसको, इसमें पानी नहीं डालना, इसको मिक्स करेंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल सख्त किस्म का डब बन जाएगा, जैसे हम आपको बाद में दिखाएंगे। इसका ये डब जब तैयार हो जाएगी, आटा तैयार हो जाएगा, इसको हम इसको बेल के फैला देंगे, और एक ढकने की मदद से इसके हम टिकिया काट लेंगे। इस तरह हम आटे को बेलेंगे, इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, रोटियाँ बहुत पतली हो जाएंगी। एक हम ढकना लेंगे उसकी मदद से इसको। अब हम इसकी टिकिया बना लेंगे ढकने की मदद से। इस तरह ये सारी टिकियाँ हम इकट्ठी करके एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरह हमने टिकियाँ बना के एक प्लेट में रख ली। अब उसके बाद अगला मरला इनको पकाने का है। चूल्हे पे आप हवा रखें हल्की आंच पे, गरम तवे के ऊपर फ्राई पैन रखेंगे, और उस पर नॉन स्टिक स्टिकिंग फ्राई पैन है, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दें ताकि ये जो हमारी टिक्कियाँ हैं चुपके ना। ठीक है, अब हम एक एक टिक्की इस पर रखते जाएंगे ऐसे। इसके बाद हम इसे एक ढकने की मदद से ढक देंगे यहाँ तक कि एक तरह से पक जाएंगी, फिर हम इनको पलटेंगे। इन टिक्कियों को थोड़ा सा देसी घी लगाकर आप मेरा रास तवे पे भी हल्की आंच पर भून सकते हैं। आप इनको इस तरह पलट लें कुछ देर में, ये बेहतरीन टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। इसमें पहले से देसी घी मिला दिया जाता है, इस तरह आपकी ये टिकिया सारी तैयार हो जाएंगी कुछ देर में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you for watching my video. Please do subscribe my YouTube channel. For more videos, please click the bell icon.